ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले पर लगातार विपक्ष हमलावर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का अब बयान आ गया है और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि छठ पूजा के बाद हाई लेवल मीटिंग करेंगे और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जो लोग पुलिस के साथ मिली भगत से अगर शराब बनाने में उनका सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। जहरीली शराब मामले पर लगातार सुबह से ही बयानबाजी शुरू हो चुकी है और मौत को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को चुप करा दिया है। क्या कुछ जानकारियां दी है मुख्यमंत्री जहरीली शराब वाले मामले पर, वो भी हम आपको सुनाते हैं। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज़्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज़ है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है, लोग चले जा रहे हैं, तो इस पर और जो कार्रवाई है काम के मुताबिक हो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे एक अभियान और तेजी से चले। तो आपने साफ तौर से सुना, उन्होंने कहा कि सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी और छठ पूजा के बाद हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा शराबबंदी कानून को लेकर। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहे देश न्यूज। सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के अंतर्गत में पूरे बिहार वासियों को जो बालवाड़ी केंद्र जो चल रहे हैं, गरीब बच्चा के लिए निःशुल्क शिक्षा देने का काम जो कर रहे हैं, जो स्कूल से वंचित है, उनके ओर से छठ और दिवाली को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं हमारे बिहार वासियों को और देशवासियों के लिए।